कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे ब्लॉग पे मॉम एंड श्रव्या। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी जिंदगी में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों को जो है न्यू ईयर की ढेरों शुभकामनाएं, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम जो है निकल चले हैं बेंगलोर की गलियों पे। इस बार हम कोई स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं करेंगे, इस बार हम जा रहे हैं बेंगलोर में फ्लैट देखने। ओके, तो ये जो है बेंगलोर की जो है रश है या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और हम फंस गए हैं ट्रैफिक में। तो आप भी देखो बेंगलोर का ट्रैफिक कितना ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलो हम चलते हैं पहले फ्लैट देखने। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फ्लैट देखने के लिए। और हाँ, यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। इसी तरह आप लोग जो है मेरा साथ देते जाइए। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, पर फिर भी आप लोगों का साथ ऐसा बना रहे। तो चलो अब हम चलते हैं अंदर। तो देखो ये जो है फ्लैट के मॉडल है। यहाँ पे जो है आईटी पार्क भी है और यहाँ पे मॉल भी ओपन होगा और फिर ये जो है स्टूडियो रूम है। स्टूडियो रूम मैंने भी पहली बार सुना। यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल रहता है और इसी में अटैच किचन रहता है और ये अटैच एक रूम रहता है हॉल टाइप का और लैट बाथ रहती है। तो इसे जो है स्टूडियो रूम कहते हैं। और जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK रहता है, ये तो मैंने देखा था, पर स्टूडियो रूम जो है मैंने पहली बार देखा। तो ये तो देखिए आप, इधर से है एक रैक बना हुआ है और इस साइड जो है लैट बाथ है। और जो भी यहाँ पे हमें बाहर हॉल में जो भी दिख रहा है वो सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो चेयर है, टेबल है और ये बेड है, टीवी है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक हॉल टाइप का मिलेगा जिसमें हमें जो है अपने हिसाब से डेकोरेट करना होगा। तो ये जो रहता है ये मॉडल के लिए बनाए रहते हैं ये लोग दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो इसी हॉल में पीछे किचन है और फिर यहाँ पे बेड है और यहाँ पे बालकनी, पर इसमें बालकनी नहीं दिया हुआ था। बालकनी बहुत ज़रूरी था पर यहाँ पे बालकनी नहीं दिया था, तो मुझे सिर्फ ओके ओके लग रहा था। हाँ ठीक ठाक, मतलब ये जो रूम है वो बैचलर्स के लिए ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, पर यहाँ पर जो है फैमिली रहने के लिए मुझे तो उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। क्योंकि फैमिली में क्या होता है कि बच्चे हैं तो बच्चे के कपड़े भी सुखाने होंगे, पर ऐसा कोई यूटिलिटी एरिया इन लोगों ने इस स्टूडियो रूम में दिया नहीं था। तो इस स्टूडियो रूम के बारे में जो है मुझे भी पहली बार पता चला कि ऐसा भी कुछ रूम होता है। नहीं तो मैं हमेशा से 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ऐसा मुझे पता था। तो देखो हम जो है बाहर आ चुके हैं और फिर यहाँ पर जो 2 BHK था उसमें भी हम गए घूमने के लिए और 1 BHK में भी गए, तो अच्छा था। 2 BHK अच्छा लग रहा था। 1.5 BHK भी अवेलेबल था। तो ये सारा मॉडल है जो कि हमें 2025 में मिलेगा, ऐसा था यहाँ का। मतलब आप इंस्टेंट नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे जो है टाइम लगेगा अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम जो है चालू है। और यहाँ पे श्रव्या रानी जो है खूब मस्ती कर रही है, उसे अपना नया घर मिलने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वहाँ देखने के बाद हम आ चुके हैं किसी और दूसरे बिल्डिंग में। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ का जो आउटर एरिया है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए गए हैं और जगह जगह जो है वाटर भी है, यहाँ पे फाउंटेन भी है। तो ये भी अच्छा लग रहा था, पर ये भी यही होता है कि यहाँ पे का थोड़े टाइम के बाद देंगे। तो बेंगलोर के बढ़ते हुए रेंट के हिसाब से यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 40, 37, 45 2 BHK ऐसा रहते हैं और 1 BHK 30,000 ऐसे यहाँ का रेंट हो चुका है। तो हमारा ख्याल है कि हर महीने रेंट देने से अच्छा ये है कि अपना ही एक परचेस कर लो, ज़्यादा अच्छा है। भले ही उसे तुम रूम रेंट पर दे दो या किसी भी चीज़ के लिए दे दो, पर परचेस कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखो यहाँ पर जो है 25 यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ बहुत ही ऊंचा पे था ये और बहुत सारे यहाँ पे जो है अवेलेबल है बच्चों के खेलने के लिए। तो श्रव्या को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो है 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब में कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मुझसे जो है कमेंट में किसी ने पूछा था कि आपको यूट्यूब से कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं यूट्यूब के पैसों से जो है फ्लैट खरीदने नहीं आई हूँ, क्योंकि यूट्यूब का क्या होता है कि बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उनके अपने क्राइटेरिया ये होता है कि आपको 1 ईयर में
1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटा जो है आपका वॉच टाइम होना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही आपका चैनल जाके मोनेटाइज होगा। पहले वेरिफिकेशन पे जाएगा, वेरिफिकेशन वेरीफाई होने के बाद ही जो है मोनेटाइज होता है। तो मेरा जो है सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे यूट्यूब से फ़िलहाल अभी कोई पैसा नहीं मिलता, मोनेटाइज नहीं हुआ है। और हम आ चुके हैं अब अपने फ्रेंड के घर में यहाँ पे, और मेरी फ्रेंड ने बनाया हुआ था छोले भटूरे। तो हमने इतना फ्लैट घूमा और ये देखो टेस्टी टेस्टी खाना का मज़ा लिया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था ये छोले भटूरे, पालक सब्जी है, दाल है और भटूरा तो बहुत ही टेस्टी था, ऑनियन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब घूम करके आओ और मज़ेदार खाना खाना की बात ही अलग है। और ये है दीप्ति जो इनके घर हम गए हुए थे, और यहाँ पे तला जा रहा है अग्रवाल पापड़। ये अग्रवाल पापड़ इन्होंने भी मुझे गिफ्ट में दिया था, और यहाँ पे उनकी मम्मी आई हुई है। तो हम जो है सब खाना का एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लाओ आप लोगों के लिए, ग्रैंड इंटरनेशनल वाइट फिल्म ना, टेस्टी खाना। ये छोले हैं बहुत सुंदर, दाल, ये भटूरे, भटूरे पूरे फुले हुए थे। क्या हो गया? खाना खा, भूखे से सब खा लिए ना, बात सही बोल रहे हैं। खाने दो, हाँ इनको खाने दो। कौन सा हॉस्पिटल है ये? इसको खिलाई थी, नहीं खाई कुछ भी। बेटा नानू जी कैसे करेंगे? फ्लैट और फ्लैट के जो प्राइस है ये देख करके तो हम काफ़ी थक चुके थे। तो उसके बाद फिर हम अपने फ्रेंड के घर आ चुके थे, इन्होंने बुलाया था हमें, उनकी मम्मी पापा आए हुए थे, तो उनसे मम्मी पापा से मिलके उनके बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चों ने यहाँ पे कुछ डांस किया, डांस करके दिखा रहे थे। और यहाँ पे देखो पति देव जी को जब हाई आ रही है, उनको नींद आ रही थी। तो हमने आज का दिन जो है बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। सामने कितने साल की है? सामने कितना है? हाउ ओल्ड आर यू? 6 इयर्स और 5 इयर्स? 5 इयर्स में तो लगा सही ग्रोथ है, 5 इयर्स में सही सही लग रहा है मुझे तो। क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि यूट्यूब से मेरा भी चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए और मैं भी इसी तरह का कुछ परचेज करूँ। तो मैं अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मैं फिर से आपसे मिलूंगी अच्छे मज़ेदार प्यारे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।